हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं आज, क्या जो मेरा कान का सफ़ेद दाग है उससे मुझे क्या बहरापन भी हो सकता है? दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारे को जो है दिमाग में बहुत सारे संशय होते हैं कि कहीं इसके कारण ऐसा तो नहीं हो जाएगा। उन्हीं चीज़ों में एक ईयर की प्रॉब्लम भी है। बहुत बार जब हम इंसिडेंटल या तो बहुत बार क्या है आर्मी के कारण जो है वो हम मेडिकल में जाते हैं, वो हमारे को रेफ़र करते हैं, या बहुत बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैक्स क्लीन कराने जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपके कान के पर्दे में टेम्पेनोस्कोलोसिस है, दैट मीन्स सफ़ेद दाग है। सो दोस्तों, इससे हमें ये टेंशन हो जाती है कि इससे मेरे को क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, क्या है सफ़ेद दाग कान का। दोस्तों, जब हमारा कान का जो पर्दा होता है उसमें क्या है, तीन लेयर होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। सो आउटर हमारी एपिथेलियम होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को से हमारे कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करती है, और अंदर वाली जो है म्यूकोजा लेयर होती है, जो हमारे अंदर का जो मिडिल ईयर है उससे उसको सेपरेट करती है, और दोनों के बीच में एक मस्कुलर लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो ये जो हमारी मिडिल लेयर होती है उसमें जगह जगह कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जो है टिम्पेनोस्कोलोसिस बोलते हैं। और ये जो हमें डॉक्टर को जब हम दिखाते हैं तो एक वाइट सा दाग या सफ़ेद सफ़ेद मल्टीपल दाग हो सकते हैं, वो एक दाग हो सकता है जिसको हम कान के अंदर सफ़ेद दाग या टी स्कोलोसिस भी हम बोलते हैं। अब दोस्तों, अमूमन ये जो प्रॉब्लम है इससे हमारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि रूटीन लाइफ में यूजुअली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम किसको हो सकती है? फर्स्ट, जो आर्मी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, मेडिकल में जाना है। दोस्तों, वहाँ पे क्या है, आपका मेडिकल चेकअप होता है, ENT चेकअप होता है, तो उसमें क्या है कि आपके ईयर ड्रम में वाइट पैच नहीं होना चाहिए। सेकंड, दोस्तों बहुत बार क्या है, अगर ये जो टेम्पेनोस्कोलोसिस, जो सफ़ेद दाग की मात्रा इतनी एक्सटेंसिव होती है कि वो हमारे एंटायर कान के पर्दे को कवर कर लिया, तो क्या होता है कि कान के पर्दे के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस नहीं हो पाते, और अगर वाइब्रेशन नहीं होंगे तो हमारे को डेफिनेटली डिक्रीज हियरिंग होगा। बहुत बार ये जो है कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो अंदर कान के पर्दे के पीछे की तरफ जो है हमारे जो हमारे कान की हड्डी होती हैं वहाँ पे भी अगर ये कैल्शियम जमा हो जाता है तो भी हमें डिक्रीज हियरिंग की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट हियरिंग के साथ में जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो हमारे आर्मी एस्पिरेंट हैं उनको वहाँ रिक्रूटमेंट में जो रेफर दे दिया जाता है, तो दोस्तों हियरिंग के अलावा इस प्रॉब्लम का और जो है जो इफ़ेक्ट होता है उससे कैसे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है? जब कान के पर्दे में ये सफ़ेद दाग होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है, जब हमें आर्मी या एयरफोर्स में जाना है तो एक एंडोस्कोपिक टिम्पेनोप्लास्टी होती है। उसमें क्या है दोस्तों, कान के पीछे से कहीं कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता, और अंदर के अंदर वो जो टिम्पेनोस्कोलोसिस है उसको रिमूव करके और जो है वो उसमें फ्रेश ग्राफ्ट लगा दिया जाता है, और उसके बाद में जो आपको वो स्पॉट विजिबल नहीं होता, और आपको जो है आपका जो मोटो है वो आर्मी है, एयरफोर्स है, वहाँ पर आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाता है, आपको उसको अनफिट नहीं किया जाता। सो दोस्तों, ये है जो है कान का जो अंदर जो सफ़ेद दाग है, वाइट स्पॉट होता है, उसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट है और कैसे उसको जो है वो मैनेज किया जा सकता है। बट अमूमन अगर हम बात करते हैं, अगर डॉक्टर ने आपको वाइट स्पॉट अगर आपके ईयर ड्रम में बताया है तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप करियर ओरिएंटेड नहीं हो कि मेरे को डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, जहाँ पे बहुत अच्छे से आपका मेडिकल चेकअप होता है। रूटीन लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दोस्तों, जैसे हमने जाना कि जो ईयर का जो ईयर ड्रम में जो वाइट स्पॉट होता है उसका जो है क्या इफेक्ट होता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वाइट स्पॉट इन द ईयर ड्रम इज़ यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम। थैंक यू।